बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने एक 5 सितारा होटल में आग लगा दी। खबर है कि इसके अंदर 24 लोग जिंदा जल गए। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। जोशोर जिले में प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी के एक नेता के होटल में आग लगा दी। जबीन इंटरनेशनल नाम के इस होटल को प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि इसका मालिक इनके साथ नहीं था। ये होटल आवामी लीग के जिला महासचिव का बताया जा रहा है। बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन के बीच इस आलिशान होटल को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदुओं के व्यवसाय को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां भीड़ ने हिंदुओं की दुकान पर डाका डाला। बोगुरा जिले में कुछ लोगों ने हिंदुओं की दुकान का ताला तोड़ा और फिर उसे लूट लिया। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने दुकान के अंदर रखे सामान को भी जला दिया। वहीं वसुदेव साहा नाम के एक हिंदू बिजनेसमैन की दुकान को टारगेट करते हुए उसमें डाका डाला गया। युवाओं की भीड़ दुकान से सामान ले जाते हुए दिखी है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने ऐसी कई दुकानों को निशाना बनाया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से वहां हिंदू इलाकों में चीख पुकार मची हुई है और उसे सुनने वाला कोई नहीं है। कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के घरों में ऐसी तबाही मचाई है कि पीड़ित परिवार रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ढाका में तख्तापलट से पहले का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बांग्लादेशी पुलिस के जवान फायरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। दावा है कि शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले पुलिस वालों ने यह फायरिंग की थी। माना जा रहा है कि पुलिस की कठोर कार्रवाई ने सरकार विरोधी आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत किया था। प्रदर्शन के नाम पर बांग्लादेश में अराजकता फैल गई है। एक वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी सब्जियां लूटते हुए दिख रहे हैं। दावा किया गया कि ये सब्जी मंडी हिंदू इलाके में मौजूद है। हिंदू इलाकों की सब्जी मंडियों को वहां उपद्रवियों ने निशाना बनाया और इस दौरान जिसके हाथ जो लगा वो उसे लूटकर वहां से भागने लगे। वीडियो में सब्जियों की लूटपाट साफ तौर पर देखी जा सकती है।